नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से इसेलाइट ऑफ मास एम इज ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ रेडियस आर एट अ हाइट एच फ्रॉम इट सर्फेस द टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट वैल्यू ऑफ एक्सटलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ विल बी और अपने को चार ऑप्शन दिए हुए हैं नाउ बहुत सिंपल सवाल है इसमें भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक बार हम यहाँ इसको डिराइव करके भी देख लेंगे हालांकि सो so, ये आपका अर्थ uh, है और एक काम करते हैं इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये मान लीजिए आपका सेटेलाइट घूम रहा है और ये प्लानट अर्थ है और सेंटर से अपना डिस्टेंस मान लीजिए आर है इस केस में हम लिखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वो होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपकी कान्टिक एनर्जी और इन दोनों का सम आता है ये दोनों ये रिज़ल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए ये रिज़ल्ट होता है माइनस टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर और डिवाइड बाई टू आर ये हो गई अपनी यहाँ पे जो सेटेलाइट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अपने को आर की वैल्यू जो छोटा आर है इसकी वैल्यू दी हुई है आर प्लस एच बिकॉज आर आपका रेडियस ऑफ अर्थ और एच हाइट पे है सो so, इसको हम ये भी लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच या आर प्लस एच नाउ इसको हमें कन्वर्ट करना होएगा छोटे जी के टर्म में बिकॉज यहाँ पे रिजल्ट अपने को छोटे डी जी के टर्म में दिया हुआ है तो वो कन्वर्ट करने के लिए हम कर सकते हैं इसको आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर ई स्क्वायर से डिवाइड और ये जी एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर अपना छोटा जी बन जाएगा विच मीन्स आपकी टोटल एनर्जी जो आ गई वो हो गई माइनस एम जी आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच मल्टीप्लाइट बाय टू ये टू भी था यहाँ पे ये टू सो so, ये अपना ये इसके बेसिस पे फाइनल आंसर हो गया विच में ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर राइट ना इसको अगर डिराइव करना है कि ये वैल्यू आई कहाँ से बड़ा सिंपल है उसको एक मिनट के लिए एक मिनट में हम डिराइव कर लेते हैं ये वैल्यू आई ऐसे कि आपकी टोटल एनर्जी आप हमेशा लिखेंगे टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस कनेक्टिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस हाफ़ एम वी स्क्वायर किसी भी सेटेलाइट की वेलोसिटी जब वो वहाँ पे uh, एक ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है वो सेटेलाइट की वेलोसिटी हम लिखते हैं तो दिस विल बी एम वी स्क्वायर वेलोसिटी होएगी जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर सो इसको ऐड करके टोटल एनर्जी बन गई आपकी जी एम एम बाई आर प्लस हाफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर और इनको ऐड करके आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई टू आर ये आपकी टोटल एनर्जी किसी भी सेटेलाइट की वहाँ पे होएगी है ना हलट आई होप आपको चीज़ें समझ में आई एंड दिस हैज मेड थिंग्स क्लियर फॉर यू